प्रणाम करो। हर मुश्किल का साईं मैं काम तमाम करूं, हर मुश्किल का साईं मैं काम तमाम करूं। तेरे चरणों की धूली से, तेरे चरणों की धूली से जीवन ये सवर जाए, तेरे चरणों की धूली से जीवन ये सवर जाए। मैं आंखें बंद करूं मेरा दर्शन हो जाए, मैं आंखें बंद करूं तेरा दर्शन हो जाए। मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए, मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए। साईं मन में रहने आ जाएंगे, वहां साईं बिना धूनी के नहीं रहते। द्वारका माई में बाबा निवास करते थे तो वहां तो उन्होंने सतत धूनी प्रज्वलित कर रखी थी। तो आगे कवि के जो भाव हैं वो ऐसे जाते हैं, पापों को मेरे साईं धूनी में जला देना, पापों को जला देना। मैं पत्थर हूँ साईं मुझे तू पिघला देना, मैं पत्थर हूँ साईं मुझे तू पिघला देना। तेरी धूनी में तप कर हम, तेरी धूनी में तप कर हम कुंदन से निखर जाए, तेरी धूनी में तप कर हम कुंदन से निखर जाए। मैं मुझे लगता है आप लोग अभी भी बाबा के दर्शन करने मंदिर जाना चाहते हैं, आपके मन के अंदर बाबा को जागृत नहीं करना चाहते हैं। अभी अभी जो गाया है एक बार उसको दोहरा दे तो बाबा शायद आपके मन के अंदर आके बैठ जाएं। मेरे मन में मेरे साईनाथ, मैं यहीं तक बोलूंगा उसके आगे आपको बोलना है। मेरे मन में मेरे साईनाथ, बाबा तक आवाज नहीं जा रही है। मेरे मन में मेरे साईना, मेरे मन में मेरे साईना, मेरे मन में मेरे साईना तू रहने आ जाए। हम लोग एक गीता का श्लोक है उसको बहुत ज्यादा प्रयुक्त करते हैं, और उसका अर्थ चूंकि हम
को अब तक गलत समझाया गया है, इसलिए हम उसका अर्थ भी गलत लगाते हैं। वो श्लोक है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्म माते संगोच्तव कर्मणि। बड़े आसान शब्दों में हमको यह समझाया गया है कि तुम तो अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ऐसा ही समझाया गया है ना। अगर वाकई में इसका अर्थ समझना है तो इसके भाव को पकड़ना पड़ेगा कि तेरा कर्म तो तेरे नियंत्रण में है, तेरा कर्म तेरे नियंत्रण में है, लेकिन फल प्राप्ति तेरे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए तू फल की चिंता किए बिना कर्म करता चल। साईं का एक पेट डायलॉग था, उनका खास संवाद था जो अक्सर दोहराते रहते थे कि जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। दुनिया का उसूल है, हम सब जानते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पास अच्छाई आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो हमारे पास अच्छाई तो नहीं आएगी। हम सब जानते हैं, बड़ी सीधी सच्ची सी बात है, और उसी से हमारे कर्मों का निर्धारण होता है। साईं बाबा कर्म को प्रधान मानते थे। जब हम साईं सच्चरित्र का अध्याय पढ़ते हैं तो एक कहानी आती है जिसमें साईं एक बार एक जानवर बेचने वाले से दो बकरियां खरीद लाते हैं और उन दो बकरियों के लिए उस सस्ते जमाने में वो बेचने वाले को 25 रुपए देते हैं। श्यामा और कात्या दोनों उनके साथ हैं। वो पूछते हैं अचंभित होकर के, कहे साईं तुम ये कैसे काम करते हो, इन दो खराब सी बकरियों के लिए तुमने उसको 25 रुपए दे दिए। बाबा कहते हैं कि ये दोनों बकरियां दरअसल पिछले जन्म में भाई थे, उन्होंने संपत्ति के विवाद में पड़कर एक दूसरे का कत्ल कर दिया और इसलिए उनको इस जन्म में ये योनि प्राप्त हुई है। मानव जन्म हमको बड़ा मुश्किल से मिलता है, कर्म करने के लिए मिलता है। हम ऐसे कर्म ना करें जिसे हम ये जन्म ही नहीं अगला जन्म भी बिगाड़ें। जस्टिस खापरडे बहुत माने हुए वकील थे, अमरावती के रहने वाले थे। उन्होंने दो बार शिरडी में प्रवास किया, एक बार कुछ दिनों का और एक बार चूंकि उन पर ऐसे आरोप लग रहे थे अंग्रेजों की सरकार में कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद कर रहे हैं। बाबा ने उन्हें 11 महीने के लिए शिरडी में रोक लिया। खापरडे साहब की पत्नी जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, वो अक्सर बाबा के लिए कुछ न कुछ बना करके लेकर गाती थी जिसको बाबा बड़े चाव से खाते थे। एक दिन ऐसा ही एक प्रसंग आया जब वो सांझा उपमा बना करके बाबा के लिए ले गई। बहुत सारे भक्त बाबा के लिए नैवेद्य में अर्पण करने के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना करके ले आए थे। बाबा ने सारे व्यंजनों को
एक तरफ कर दिया और श्रीमती खापरडे की थाली में से चाव से खाने लगे। श्यामा जो कि बाबा के मित्र थे, हम कल उनकी मित्रता का जिक्र कर चुके हैं, वो अक्सर बाबा के साथ ऐसी ही बातें किया करते थे। बाल तुम देवा कैसे हो, इतने स्वादिष्ट व्यंजन छोड़ करके तुम इस बाई की थाली में से खा रहे हो। बाबा ने कहा, श्यामा ये महिला कुछ जन्म पूर्व एक साहूकार के यहां मोटी गाय थी और इसने खूब पौष्टिक दूध दिया है। इसके बाद इसका जन्म एक माली के यहां हुआ, अगले जन्म में ये क्षत्रिय के यहां पैदा हुई और अब ये अपने कर्मों के चलते ब्राह्मण कुल में पैदा हुई है। बाबा ने यह बताया कि अपने अच्छे कर्मों के चलते हम कैसे अपने कुल में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं जन्म दर जन्म। कर्म देखा जाए तो अगर थ्योरी ऑफ कर्मा हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो शायद 7 दिन की कथा भी कम पड़ जाएगी। लेकिन कर्म मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इतना जान लीजिए, बहुत सरल सी व्याख्या है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो अभी हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे वश में है। संचित कर्म वो होते हैं जो हो चुके हैं लेकिन उनका फल अभी तय नहीं हुआ, और प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जो हो चुके हैं और उनका फल भी तय हो चुका है। आपको बहुत सरल सा उदाहरण दूंगा, आपने तुनीर पर से निकाल करके बाण धनुष पर चढ़ा रखा है तो वो बाण जो कि अभी चला नहीं है, आपके वश में है, चलने वाला है, वो क्रियमाण कर्म हो गया, आपके वश में है। जो बाण तुनीर में रखे हुए हैं वो बाण वो हैं जिनका फल अभी निर्धारित नहीं हुआ है, वो चलेंगे या वहीं पड़े रहेंगे ये किसी को नहीं पता। जो बाण चल करके यहां वहां लग चुके हैं वो प्रारब्ध है, और आपके प्रारब्ध के प्रभाववश जो बाण आपने धनुष पर चढ़ा रखा है, आपने निशाना लिया और उसी समय आपके पैर के ऊपर से एक सांप निकल जाता है और आपका निशाना चूक जाता है, तो सांप का निकलना आपके प्रारब्ध के प्रभाववश हुआ, आपका निशाना चूक गया और वो जाकर के किसी फल को ना लग के किसी व्यक्ति को लग जाता है, जैसा भगवान कृष्ण के संबंध में हुआ था कि किसी बहेलिए ने किसी चिड़िया को समझ करके निशाना साधा और वो कृष्ण भगवान के पैर के अंगूठे में जाकर के लग गया और वहां पर उन्होंने देहोत्सर्ग कर दिया। सो अपना कर्म चोखा रखिए, बहुत साफ कर्म रखिए, क्योंकि मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो
कोई जैसी करनी करता।